देखो ये नोटबुक्स ना हमें पूरे साल भर चाहिए होती है, लेकिन हमें इनको सिलेक्ट करने में ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि कैसा पेपर की क्वालिटी है, कैसी हमारी बाइंडिंग है, कैसा उसके अंदर हमें कवर मिल रहा है, क्या साइज प्रॉपर हमें ब्रांड दे रही है नहीं दे रही, वो सारा कुछ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एंड जाके नोटबुक ले आते हैं रेट देख के कि कौन सी सस्ती है। लेकिन भाई आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे साल ही नोटबुक चलानी होती है। तो आज ना हमारे पास 8 ब्रांड्स हैं और जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर। तो आज ना हम सभी के नोटबुक्स को कंपेयर करने वाले हैं, इनकी ना क्वालिटी कैसी है, पेपर की क्वालिटी कैसी है, पेपर हमें कितने GSM का मिलता है, एंड GSM कैसे मेजर होता है, एंड उसके बाद हमें कवर कैसा मिलता है, उसके बाद हमें किसी उसके अंदर इंडेक्स मिलता है नहीं मिलता, कुछ क्वेट्स वगैरह या कुछ लर्निंग वर्ड्स मिलते हैं नहीं मिलते, एंड उसके बाद कोई पैकिंग भी हमें इसके ऊपर मिलती है नहीं मिलती। देखो सभी नोटबुक्स के ऊपर ना हम राइटिंग एक्सपीरियंस भी देखेंगे, वो हम रोलर बॉल पेन से देखेंगे कि हमें कैसा राइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है, स्मूथनेस है या नहीं है पेज के अंदर, एंड उसके बाद इनके ब्लीड होती है नहीं होती। हम जेल पेन से भी राइटिंग करेंगे, हम बॉल पेन से भी राइटिंग करेंगे, एंड हम फाउंटेन पेन से भी राइटिंग करेंगे कि जो इनका पेपर का GSM है क्या वो फाउंटेन की राइटिंग को उसके ऊपर पॉसिबल है या नहीं है। तो सारा कुछ रिव्यू करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर कि कौन सी बेस्ट नोटबुक्स है, आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो ना पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आप स्टेशनरी की दुनिया में पहली बार आए हो तो जल्दी से स्टेशनरी बटन को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी तरीके स्टेशनरी के अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड गिवअवेज मिलते रहते हैं। देखो हमारे पास जो ब्रांड्स अवेलेबल है ना, वो एक तो अप्सरा है, सेकंड हमारे पास लग्जर है, उसके बाद देखो हमारे पास युवा है, एंड उसके बाद हमारे पास देखो डॉम्स है। तो सभी टॉप की ब्रांड है, कोई ये नहीं है कि ऐसी ब्रांड। एंड उसके बाद देखो पतंजलि है, आपने पतंजलि के चूरन वगैरह तो बहुत खा लिए होंगे, अभी नोटबुक्स भी है, तो देखते हैं कि इसकी राइटिंग कैसी मिलती है। और उसके बाद देखो उसके हमारे पास पेपर ग्रेड है, पेपर ग्रेड भाई दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। एंड उसके बाद हमारे पास देखो माई चॉइस है, ट्राइडेंट ब्रांड है पंजाब का, काफी पुरानी मील है पेपर की, एंड ये अब नोटबुक्स भी मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। एंड वन ऑफ फेवरेट पर्सन लोगों की क्लासमेट है हमारे पास। सबसे पहले ना हम इनके साइज के ऊपर बात करते हैं, साइज तो कहने को सभी का A4 है, लेकिन आपको पता है पेजेस तो आप प्राइस कम ज्यादा दे के ले सकते हो, लेकिन आप जो लेंथ है एंड वो ब्रेथ है वो उनकी उसी हिसाब से मिलेगी जिस ब्रांड ने जिस पेज के अंदर उसको बनाया है। एंड ये किस तरीके से नोटबुक्स बनती है उसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, एंड वो आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपको मैंने इनको नीचे रखा हुआ है टेबल पे, एंड ये देखो ये वाली नोटबुक इसके अंदर काफी छोटी है, एंड ये नोटबुक इसके अंदर काफी छोटी है। बाकी अब इनको मैं निकाल दूं तो ये आपको लगभग सिमिलर साइज की मिलने वाली है। तो जो दो बाहर आई है ना, एक तो वो लग्जर की है जिसका साइज आपको छोटा मिलने वाला है, एंड उसके बाद आपको ये देखो इन्होंने चूरन तो काफी बेच दिया, लेकिन भाई पतंजलि वालों ने नोटबुक का साइज तो हमें छोटा दिया है और ब्रांड्स के कंपेयर। तो देखो सबसे पहले लिया है हमने पतंजलि का, एंड इसकी नोटबुक का जो नाम है वो ज्ञानपाथ है। एंड यहाँ पे आपको देखो इस ब्लू कलर की कुछ इस तरीके की ना कवर मिल जाएगा, एंड कवर की क्वालिटी भी मैं आपको कहूंगा कि मीडियम कह सकते हैं हम इसको। एंड इसके अंदर आपको देखो 192 पेज मिलने वाले हैं, एंड साइज भी देखो प्रॉपर नहीं है, A4 होता तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर होता, एंड 29.7 या 30 सेंटीमीटर होता। उसके बाद देखो इसके MRP 70 रुपए है, इन्होंने GSM मेंशन नहीं किया हुआ। बाकी यहाँ पे देखो इन्होंने काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है, एंड जो कि आपके लाइफ के पे काफी अच्छा इंपैक्ट डालने वाले इन्होंने क्वेट्स डाले हुए हैं। तो मैं आपको देखो इसका कॉस्ट बता दूं, सबसे पहले ना देखो 70 रुपए का पड़ने वाले हमें 192 पेज। तो भाई हमें जो एक सीट इसके अंदर पड़ने वाली है ना वो 0.36 रुपए की पड़ने वाली है। तो एक एक सीट की हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालने वाले हैं। एंड उसके बाद देखो इसके अंदर हमें जो पेपर मिलने वाला है वो इंडेक्स भी मिलने वाला है, लेकिन पेपर की क्वालिटी भाई लगभग मुझे लग रही है 54 से 56 GSM। एंड GSM किस तरीके से मेजर होता है मैं बता दूं, देखो जैसे ये सीट है एंड ये 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो ये हो गया पूरा स्क्वेयर। तो 1 मीटर स्क्वेयर के अंदर हमें कितना ग्राम मिलने वाला है, तो वो होता है ग्राम स्क्वेयर पर मीटर, मतलब ये 54 ग्राम इसके स्क्वेयर मीटर में होने वाला है जिस पेज की इसकी क्वालिटी है। उसके बाद इसके अंदर मैं आपको बताऊं, देखो हमें ना पिन बाइंडिंग नहीं मिलने वाली है, इसके अंदर आपको मिलने वाली है फेविकॉल बाइंडिंग। ये यहाँ से आपको नजर आ जाएगी फेविकॉल बाइंडिंग, देखो ये निकल निकल के भी भाग रही है। तो आपको कौन सी पसंद है, पिन बाइंडिंग या फेविकॉल बाइंडिंग, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट आ गया ट्राइडेंट ग्रुप, भाई बहुत सारे लोग इस ब्रांड के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे न्यू होंगे, चलो कोई बात नहीं हम बता देते हैं। देखो आपको प्रॉपर इसके अंदर साइज मिलने वाला है, एंड 172 पेज मिलने वाले हैं 75 रुपए में। भाई थोड़ा MRP से कम होता है, सभी ब्रांड का अलग अलग है कि आपको कहीं 10% कम मिलेगा, कहीं 20% और कहीं आपको
30% तक कम मिलेगा। अभी देखो इसके अंदर आपको एक व्हाइट कलर का इंडेक्स मिल जाता है, उसमें आपको ना रेड कलर का इंडेक्स था, और यहाँ पे देखो जो पेपर का GSM है वो इन लोगों ने तो मेंशन किया हुआ है कि आपको 60 GSM का पेपर मिलने वाला है, एंड अपने और कुछ प्रोडक्ट्स के इन्होंने इसके ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी इसके अंदर ना आपको क्विट्स वगैरह तो कुछ लिखने को मिलेगा नहीं, बस एक ये पैराग्राफ है जिसमें आप अपनी स्टोरी या चॉइसेस वगैरह के बारे में अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम इसका प्राइस कैलकुलेट करें तो भाई हमें 75 रुपीज के अंदर पड़ने वाली है 172 सीट्स। तो भाई इस हिसाब से देखो इसकी सीट हमें काफी महंगे पड़ने वाली है 0.43, पर ये है कि आपको इसके अंदर ना 60 GSM का पेपर मिलने वाला है जिसके अंदर आपको काफी अच्छी तो ब्राइटनेस मिल जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे काफी अच्छी स्मूथनेस है, ये नहीं है कि पेपर आपको रफली सा मिलेगा, तो वो चीज भी उन्होंने बेस्ट दी है। देखो भाई नेक्स्ट आ जाती है पेपर ग्रिड। भाई ये मेरी भी फेवरेट नोटबुक में से एक है, मैं अपने नोट्स वगैरह खुद इसमें लिखता हूँ। देखो ये ना आपको इस चीज में फायदा मिलने वाला है, जैसे ही आप 6 नोटबुक्स का पेयर मंगाओगे ना तो आपको 6 कलर्स मिलने वाले हैं। तो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने कलर्स भी डिसाइड कर सकते हो, ये चीज इसके अंदर मुझे बेस्ट लगती है। और ये प्लेन कलर होने के बावजूद भी ना बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है यार, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काफी सारी डिजाइन कर रखी है। उसके बाद आपको यहाँ पे काफी अच्छी प्यारी लाइन मिल जाएगी। उसके बाद देखो इसके अंदर 136 पेज है, प्रॉपर साइज मिलने वाला है 65 रुपीज के। तो हम इसकी एक सीट का प्राइस अगर कैलकुलेट करें, 65 को हम डिवाइड करते हैं 136 से, तो हमें जो पर सीट पड़ने वाली है भाई वो अब तक सबसे महंगी पड़ने वाली है 47 पैसे की, मतलब आप मान के चलो 98 रुपए में आपको सीट मिलने वाली है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि आप 0 काटा वगैरह खेल सकते हो, ये आपको प्लेन पेपर मिलने वाला है बिना रूल्ड। उसके बाद देखो यहाँ पे काफी अच्छे इन्होंने वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं जिनसे आपको सीख सकते हो। एंड बात करते हैं हम इसकी इंडेक्स की, तो इंडेक्स भी आपको काफी ज्यादा प्यारा मिलेगा जिसके अंदर आपको सारी चीजें इन्होंने अच्छे से दी हुई है, एंड यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे क्वेड्स मिल जाएंगे। एंड पेपर के GSM की बात करूं तो भाई 60 GSM जो हमें ट्राइडेंट में मिल रहा था वो लगभग इसके अंदर है पूरा साइट। बाकी देखो इसको उन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ, ब्रांड को ना मेंशन करना चाहिए अपना GSM, तो उससे कस्टमर को आसानी हो सिलेक्ट करने में। तो भाई डॉम्स की अब ले आए नोटबुक, आपने स्टेशनरी तो बहुत देख ली, डॉम्स की कलर पेंसिल स्केच पेन आर्ट किट प्रोडक्ट वगैरह सब देख लिया। अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, हमारी डॉम्स की सब वीडियो मिल जाएंगे आपको, पेन किट वगैरह सारा कुछ। लेकिन आज बात करते हैं डॉम्स की नोटबुक की। तो देखो ये आपको यहाँ पे पिन बाइंडिंग के अंदर मिल जाएगी, और इसके अंदर भी आपको 3 पिन मिलेंगी, लेकिन मैं आपको इनके बारे में बताना भूल गया, माई चॉइस एंड ये भी आपको 3 पिन में मिलती है। इसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए, कई बार क्या होता है काफी सारी ब्रांड्स 2 ही पिन लगाती हैं, जैसे लोकल ब्रांड्स होती हैं आपके एरिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते होंगे, तो उससे क्या आपकी नोटबुक ना जल्दी खोल जाती है, उससे वही है कि उसके पकड़ काफी कम हो जाती है पेपर की। पर चलो कोई बात नहीं, आपको ये चीज पता रहेगी अगर आप स्टेशनरी की दुनिया का हिस्सा हो। तो देखो हम बात करते हैं इसके साइज एंड प्राइस। साइज आपको प्रॉपर A4 मिलने वाला है, 75 रुपए में आपको 140 सीट मिलने वाली है, तो मतलब आपको पर सीट आप डिवाइड कर लेना 0.53, अब तक की भाई सबसे महंगी सीट मिलने वाली है। तो देखते हैं कि कैसी हमें ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो देखो ब्राइटनेस काफी अच्छी है, एंड जब राइटिंग करेंगे तो ओवरऑल तब पता चलेगा, लेकिन भाई मुझे GSM ना पेपर ग्रिड के हिसाब से तो हल्की लग रही है, पेज को पकड़ने में थोड़ा हल्का हल्का सा फील आ रहा है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मिल जाएंगे, इंडेक्स का पेज मिल जाएगा, आगे बहुत सारी ब्रांड होती है जो इंडेक्स का पेज भी गायब कर देती है, तो इससे क्या है कि काफी मैन्युफैक्चरिंग जो वो करती है तो उससे भी उन लोगों को फायदा होता है, तो वो पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में क्वालिटी कम करती है। उसके बाद देखो इन्होंने ये चीज़ अच्छी की हुई है, आपको यहाँ पे टाइम टेबल का वो भी मिल जाएगा, तो आप अपनी नोटबुक के पीछे सभी के अंदर टाइम टेबल देख लिख सकते हो, तो किसी भी नोटबुक को आप ओपन करोगे तो आप वहाँ से अपना टाइम टेबल देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको डॉम्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी और प्रोडक्ट्स की, तो ओवरऑल डॉम्स की नोटबुक अभी तक बेस्ट लग रही है। तो भाई अब ले आए नवनीत की युवा। देखो भाई युवा के भी आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, इसकी हमने किट्स वगैरह ज्योमेट्री वगैरह सारा कुछ रिव्यू किया है, तो इसके प्रोडक्ट हमें एवरेजन लगे हैं। तो अब इसकी नोटबुक में देखते हैं कि हमें कैसी क्वालिटी मिलती है। तो भाई देखो इसके अंदर आपको प्रॉपर साइज मिलने वाला है, एंड 70 रुपए में आपको 172 पेज मिलने वाले हैं। तो हम इसका भी कैलकुलेट कर दें, 70 में आपको 172 पेज मिलने वाले हैं, तो आपको मिलने वाला है एक सीट 0.40 पैसे की। तो भाई सीट आपको काफी सस्ती मिलने वाली है, हाँ काफी ब्रांड्स के कंपेयर महंगी भी है। तो ये देखो आपको जो इसका कवर है वो भी काफी आपको यहाँ पे ना बहुत ज्यादा चिकना मिलने वाला है, जो मुझे अब तक सबसे ज्यादा लगा है किसी भी नोटबुक के अंदर। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बाइक वगैरह के एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी बाइक लवर्स के लिए। इंडेक्स का पेज आपको बहुत ही ज्यादा हल्की क्वालिटी में मिलने वाला है, लेकिन भाई पेपर की ब्राइटनेस अच्छी है। डॉम्स के कंपेयर अगर मैं इसका वो कहूँ ना GSM, तो वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली डॉम्स को टच किया तो मुझे उसका फील से इसका ज्यादा फील अच्छा लगा। एंड आपको यहाँ पे भी ना काफी अच्छे वो मिल जाएंगे जिसमें आप अपने राइटिंग वगैरह कर सकते हो, वर्ड्स वगैरह का गेम खेल सकते हो, तो ये चीज इसके अंदर उन्होंने यूनिक क्रिएट की हुई है। देखो युवा वालों ने ना ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये इन साइज के अंदर नोटबुक बनाते हैं, तो आप अपने कंफर्ट और यूज के हिसाब से कोई भी साइज
परचेज कर सकते हो ऑनलाइन जाके ऑफलाइन जाके। भाई अब आ चुकी है इंडिया के टॉप ब्रांड्स एंड पुराने ब्रांड्स में से एक क्लासमेट। तो भाई इसकी नोटबुक में तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने लगभग लिखा है। तो भाई देखो इसका प्राइस आपको ना 95 रुपीज मिलने वाला है, लेकिन ये थोड़ी ना हैवी है, 240 पेज में है। तो इसका देखते हैं हमें पर सीट कितना पड़ने वाला है। तो मेन चीज हमें पर सीट का पता होगा तो हम उसी हिसाब से परचेज कर पाएंगे। तो ये देखो हमें इसकी जो पर सीट पड़ने वाली है वो 0.39, तो भाई ज्यादा महंगी नहीं है और जो ब्रांड्स थी उसके कंपेयर। साइज भी प्रॉपर मिल रहा है इस पे, देखो काफी अच्छे मैटे में है। जैसे युवा की थी वो बहुत ज्यादा चिकनी थी, लेकिन आपको ये मैटे फिनिश से के अंदर मिलेगी, तो वो भी काफी अच्छा लग रहा है आपको। इसके अंदर देखो पिन वाली बाइंडिंग नहीं है, इसमें फेविकॉल बाइंडिंग है, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी जो भी आपको अच्छी लगे ना बाइंडिंग, कि मैं इसको अच्छे से कैरी कर सकता हूँ। क्योंकि जो फेविकॉल वाली है ना, आप इसको फोल्ड करोगे तो ये इजिली फोल्ड हो जाती है, लेकिन पिन वाली क्या है कि निकलने लग जाती है, तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद देखो इसमें भी यहाँ पे ना आपको बाइंडिंग हो रखी है, तो पेज ना खिंच रखे हैं, तो ये चीज मैं आपको बताऊं उसके अंदर आपको ये कि मुझे अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है देखने में। और ये पेपर की क्वालिटी तो यार ये मैं कहूंगा कि काफी सारे ब्रांड्स के कंपेयर अच्छी भी है और कुछ के वो भी है। बाकी राइटिंग से प्रॉपर क्लियर हमें हो जाएगा, बाकी यहाँ पे आपको इस वर्ड के बारे में इन्होंने चीजें लिखी हुई है, तो ये चीज अच्छी है कि आपको हर नोटबुक पे ना कुछ यूनिक मिलता है जिससे आप अपना चीजें सीख सकते हो। उसके बाद देखो इस पे इन्होंने कवर पे दिया हुआ है, जैसे डॉम्स ने इंडेक्स वाले पेज पे दे रखा था, लेकिन इन्होंने इस पे टाइम टेबल का दिया है, तो थोड़ा हार्ड है, तो ये काफी अच्छा है। बाकी आपको यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे जिनसे आप अपना थोड़ी नॉलेज बढ़ा पाओगे। देखो अभी सेकंड लास्ट हमारी अप्सरा की है। अप्सरा की नोटबुक भाई थोड़ी सी मुझे यहाँ से कवर के हिसाब से ना चीप सी क्वालिटी लग रही है, ये काफी आने में देखो बाइंड हो चुकी है, तो अपना ब्रांड का ही नाम डुबा रही है मेरा क्या। उसके बाद देखो प्राइस काफी कम है भाई, 50 रुपए पड़ने वाला है आपको 140 पेज का। तो हम 50 रुपए में 140 पेज खरीद रहे हैं, तो हमें जो पर सीट इसमें पड़ने वाली है भाई वो अब तक सबसे सस्ती पड़ने वाली है 0.35 पैसे की। एंड दूसरी चीज भी आपको एक चीज और इसके अंदर मिलने वाली है कि आप जो पूरा पैक लोगे ना, जो इनका पैक होगा 6 का या 4 का जो भी पैक होगा, उसके अंदर आपको एक रेजर भी मिलने वाली है। अगर अंदर ना हो तो आप बाहर से ले लेना। और ये चीज मुझे इसके अंदर अच्छी लगी कि कुछ पेन वगैरह भी दे सकते हैं ये। बाकी उसके बाद देखो आप पे यहाँ पे काफी अच्छी मिस्टीरियस मिल जाएंगे जिनसे आप अपना कुछ इससे टाइम पास वगैरह कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको पूरे हॉलीडेज इवेंट्स वगैरह आप इस पे मेंशन कर सकते हो। एंड देखो इसके अंदर जो एक चीज यूनिक है वो देखो ग्रीन कलर से रूलिंग हो रखी है। बाकी और जो ब्रांड्स थी, जैसे यहाँ पे देखो पेपर ग्रिड है ब्लैक कलर से है, एंड उसके बाद हमारी क्लासमेट है ब्लैक कलर से, तो सभी में ब्लैक कलर है, लेकिन इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा जो रूलिंग है ना पेपर पे, ये लाइन उनको रूलिंग बोलते हैं, तो उससे इन्होंने ग्रीन कलर से कर रखी है, तो वो चीज थोड़ी अलग है। बाकी किसी भी उस पर ना आपको ये नहीं दे रखा पेज नंबर का नीचे का, देखो जैसे इन्होंने क्लासमेट है अपनी या अपनी युवा है, तो इन पे किसी पे ये नहीं है कि आप पेज नंबर लिख सको, तो ये चीज़ मुझे इसके अंदर बेस्ट लगी है कि इसके ऊपर ना पेज नंबर वगैरह लिख सकते हो। बाकी आपको 3 पिन में इसकी बाइंडिंग देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद ना यहाँ से इसकी जो फिनिशिंग है वो उतनी प्रॉपर नहीं है, मतलब खुली सी पड़ी है नोटबुक, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, थोड़ी स्क्वेयर से में होती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद देखो आपको इंडेक्स भी काफ़ी हैवी क्वालिटी में मिलेगा, बाकी पेज की क्वालिटी यार हैवी है काफ़ी ब्रांड्स के कंपेयर, बाकी आगे पता चल जाएगा कि कितनी हैवी है। देखो लास्ट हमारी लग्जर की कन्वर्ज भाई, इस पर आपको ये कि कितना सारा कार्टून वगैरह ये चीजें डिजाइन कर रखी है यार पक्का मत आई एम सिंगल वगैरह वगैरह, तो वो चीजें कुछ ज्यादा ही मुझे और सी लग रही हैं। उसके बाद देखो प्रीमियम एक्सरसाइज नोटबुक इस पे लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि आपको ये सिंगल नोटबुक भी ना एक पोली के अंदर पैक मिलने वाली है, तो आपको ये है कि ये चीज मुझे इसके अंदर अच्छी लगी कि आपकी नोटबुक है वो प्रॉपर आप तक आने वाली है, ये नहीं है कि आपको मुड़ी तुड़ी मिलेगी, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। लग्जर कन्वर्ज की बाइंडिंग भी आपको काफी ज्यादा हैवी मिलेगी, इसके अंदर ना इन्होंने यहाँ पे पिंस भी लगाए हुए हैं, उसके बाद इस पे इन्होंने फेविकॉल की अलग से पट्टी भी लगाई हुई है, तो भाई ये सालों साल आपकी नोटबुक चलने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है, बस आप इसके अंदर से पेज निकाल के इसकी हालत मत खराब करना। और भाई एक चीज और मुझे पसंद आई, देखो इसके जो कॉर्नर्स है ना वो भी इसके अंदर कर्व में मिलने वाले हैं, वो किसी भी ब्रांड में नहीं थे, चाहे क्लासमेट है पेपर ग्रेड है अप्सरा डॉम्स किसी में नहीं थे, ये मुझे काफी अच्छा लगा। थोड़ा साइज इन्होंने करके नाक कटाई थी, बाकी ये चीजों को बढ़ा के ना यार मुझे इस चीज से मैं थोड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। बात करूं भाई इसके सबसे पहले ना आपको इंडेक्स की, तो देखो इंडेक्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एक व्हाइट पेज मिलेगा जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख सकते हो। उसके बाद देखो इसके अंदर भाई बाइंडिंग ना, सॉरी मैं सोच रहा था पिन बाइंडिंग है, लेकिन ये ना पिन बाइंडिंग नहीं है, ये धागे की बाइंडिंग इसके अंदर हो रखी है, मतलब धागे से इसको सिल रखा है अच्छे से मशीन के द्वारा, तो वही चीज है कि इसके अंदर आपको और भी ज्यादा इन्होंने उस चीज को सख्त किया हुआ है। तो प्राइस देखते हैं, इसका प्राइस
प्राइस भाई बहुत ज्यादा है, 120 रुपए, एंड 120 रुपए में आपको 180 सीट मिलने वाली है, लेकिन क्वालिटी भी भाई उस हिसाब से है। तो मैं आपको एक सीट का अगर प्राइस बताऊं तो आपको एक सीट जो पड़ने वाली है ना भाई, वो सबसे महंगी पड़ने वाली है अब तक की, 0.66 पैसे की आपको एक सीट पड़ती है इसके अंदर। एंड देखो उसके बाद ना इसका जो कवर है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड है, जैसे पेपर ग्रिड की थी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कवर है, अगर गलती से ऐसे किसी नोटबुक के नीचे मुड़ गया तो मुड़ा ही रह जाएगा। एंड ये जल्दी से अपनी शेप चेंज नहीं करने वाला है, क्लासमेट का है तो ये भी इतना नहीं है जितना हैवी ये है। देखो अभी तक आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको किस तरीके से अपनी नोटबुक का प्राइस कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आपको अपने कवर की क्वालिटी पता करनी है, पेज की क्वालिटी वगैरह कैसी होनी चाहिए, ब्राइटनेस कैसी होनी चाहिए, एंड उसके इंडेक्स वगैरह उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन अभी और भी सारी चीजें, एंड देखते हैं कि राइटिंग में हमें कौन सा सबसे बेस्ट स्मूथ पेज देने वाले हैं, किसकी हमें रफ राइटिंग का एक्सपीरियंस रहता है, किसका स्मूथ राइटिंग एक्सपीरियंस हमें नोटबुक्स पे मिलता है। तो भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, काफी सारी लोकल ब्रांड्स होती हैं हर जगह, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे लोकल ब्रांड्स एंड ब्रांड का सेम ही प्राइस है इन ब्रांडेड प्रोडक्ट का। तो आप इनके साथ जाओगे तो थोड़ा आपको ये है कि बिलीव ज्यादा रहेगा क्वालिटी पे, बाकी 5-10 रुपए आपको नहीं देखने चाहिए जब आप पूरे साल भर के लिए नोटबुक्स को ले रहे हो। तो हमने ना इन पर राइटिंग करने के लिए बॉल पेन के अंदर विन का TMO लिया है 0.6 mm निम में, उसके बाद रेनॉल्ड्स का रेसर जेल लिया है, उसके बाद हमने रोलर बॉल के अंदर लिया है रेनॉल्ड्स का ट्राइमैक्स, एंड लास्ट हमने लिया है पार्कर का बेटा न्यू फाउंटेन पेन। तो देखो सबसे पहले ना बॉल पेन से करते हैं राइटिंग, तो राइटिंग एक्सपीरियंस तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ स्मूथ मिल रहा है ज्ञानपात के ऊपर। सबसे पहले हमने ज्ञानपात लिया, तो हमें देखना है कि इसका जो पेपर का GSM है वो हमें पीछे इसकी राइटिंग नजर आएगी या नहीं आएगी, नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होगी या नहीं होगी, तो पेपर का GSM कैसा है। तो भाई स्टेशनरी वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पे आपको सभी तरीके की स्टेशनरी मिलती रहती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ बॉल पेन की राइटिंग है। सेकंड हमने ले लिया रेनॉल्ड्स का रेसर जेल। देखो अभी ट्राइमैक्स रोलर बॉल पेन से कर लेते हैं, लेकिन हम ना सभी को लास्ट में ही देखेंगे कि कैसा प्रिंट हमें उस तरफ मिलने वाला है, इंक ब्लीड होती है नहीं होती, तो थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाएगा सभी पेन्स के अंदर। एंड लास्ट देखो पार्कर है जिसका हमारे पास फाउंटेन पेन है, तो इससे भी देखते हैं राइटिंग। तो देखो सभी पेन से ना राइटिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, आपको देख सकता है कि ब्राइटनेस काफी अच्छी है जिस वजह से एक एक वर्ड आपको इजीली नजर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको ना इसका पेपर का GSM थोड़ा हल्का है, जिस वजह से देखो सभी पेन्स का प्रिंट ना आपको नेक्स्ट पेज तक पहुंच गया है। लेकिन इस वाले पेज पे हम देखें तो देखो आपको ना इंक के ब्लीड्स भी नजर आ जाएंगे सिर्फ फाउंटेन पेन के, तो रोलर बॉल पेन की इंक को सह गया है ये पेन, और बाकी बॉल एंड जेल पेन के अंदर तो आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है, बस ये कि आपको वर्ड्स थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं क्लियर, तो वही है कि थोड़े पेपर का GSM कम होने की वजह से है। तो पेपर का GSM थोड़ा यार ज्यादा लिया करो जिससे आपको ना नेक्स्ट पेज पे आपका प्रिंट ना जाए। ट्राइडेंट के माई चॉइस पे राइटिंग करते हैं। तो भाई देखो माई चॉइस के अंदर ना मुझे पता क्या दिक्कत लगी कि इसकी पेपर का जो सरफेस है ना वो थोड़ा रफ लिया, पेज ना ऐसे आवाज साउंड से कर करके अर्ज अर्ज कैसे चल रहा था, तो वो चीज मुझे इसके अंदर दिक्कत लगी। बाकी देखो उसके कंपेयर तो इसका GSM ठीक है क्योंकि इसका प्रिंट ना उतना डार्क नहीं गया है पीछे, और ये देखो फाउंटेन पेन भी यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लीड नहीं हुआ है ना रोलर बॉल पेन हुआ है, तो पेपर का GSM ठीक है लेकिन सरफेस थोड़ा यार रफली होने की वजह से ना लिखने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा। तो देखो अप्सरा की नोटबुक पे करते हैं सभी पे राइटिंग एक्सपीरियंस। देखो भाई इस नोटबुक पे पेज पे अब तक का सबसे बेस्ट राइटिंग एक्सपीरियंस रहा है भाई, बहुत ज्यादा चिकनाइट है इसके पेपर के अंदर जिससे ना बहुत बढ़िया मजा आ रहा था राइटिंग करने में। एंड देखो इसका GSM भी काफी अच्छा है, तो उतना प्रिंट नहीं गया है। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो ना फाउंटेन पेन इंक ब्लीड हुई है ना रोलर बॉल पेन ना ही जेल पेन, तो भाई ये चीज तो काफी अच्छी है। अप्सरा की नोटबुक आपको ये लगाओ प्राइस भी बहुत ज्यादा कम में मिला था, एंड क्वालिटी भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है, तो मुझे अब तक काफी ज्यादा पसंद आई है अप्सरा की नोटबुक। अभी आ चुकी है नवनीत की युवा, एंड अभी इस पे देख लेते हैं हमें कैसा राइटिंग एक्सपीरियंस रहता है पेज पे। तो देखो नवनीत युवा पे ना अप्सरा के कंपेयर उतना अच्छा प्लेन सरफेस नहीं था, थोड़ा रफली सरफेस है, तो पेन का फ्लो उस कदर नहीं बन रहा था। अभी थोड़ा इसकी इंक देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको देखो काफी अच्छे से क्लियर नजर आ रहे हैं, तो पेपर का जो GSM है ना वो भी आपको हल्का मिलने वाला है जिससे सीट की क्वालिटी हल्की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको कोई भी इसके अंदर ना ब्लीड तो नहीं नजर आ रही है ना फाउंटेन पेन के अंदर ना रोलर बॉल के अंदर, बाकी ये है कि अपने प्राइस के मुताबिक तो ठीक है। अब आ जाती है मेरी पसंदीदा नोटबुक पेपर ग्रेड, अब देखते हैं इसके साथ राइटिंग इस पे कैसा हमें मिलने वाला है, और इंक ब्लीड होती है नहीं होती, और इंक का पेपर का GSM कैसा रहता है। पेपर ग्रिड का सरफेस भी ना बहुत ज्यादा स्मूथ है अप्सरा की तरह ही, और देखो इस पे ना बिल्कुल भी इतना कुछ नजर नहीं आ रहा है जैसे और ब्रांड्स के ऊपर नजर आ रहा था, तो पेपर का GSM भी काफी ज्यादा हैवी है। एंड ये देखो आपको किसी भी ब्रांड की इंक है वो आपको ना ब्लीड नहीं हुई है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी फाउंटेन की आपको हल्की हल्की सी नजर आ जाएगी,
बाकी और तो किसी भी बॉल जेल या रोलर बॉल पेन में इंक ब्लीड नहीं हुई है। तो ये चीज है कि पेपर का GSM है जो इन चीजों को उधर होने से पार होने से बचाता है। बाकी हम सभी पेन से ना सेम से लिख रहे हैं, तो भाई ये कि तभी हम जो डिफरेंस है वो क्लियर कर पाएंगे। तो भाई देखो अब डॉम्स ले आए हैं एंड डॉम्स की ब्राइटनेस तो काफी ज्यादा मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन देखते हैं कि डॉम्स का जलवा यहाँ भी होगा क्योंकि स्टेशनरी में तो इसका जलवा काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ भी होगा वहां भी होगा, ज्यादा गा नहीं सकता, कॉपीराइट होगा। तो भाई मैं सबसे पहले इससे लिख लेता हूँ बॉल पेन के साथ। पेपर ग्रिड और अप्सरा के कंपेयर तो इतना स्मूथ सरफेस नहीं था इसका। बाकी देखो यहाँ पे भी काफी ज्यादा डार्क आपको प्रिंट दिख रहा है नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो थोड़ा GSM में भी वो है। बाकी देखो इंक है वो तो ब्लीड नहीं हुई है, तो यार ये चीज तो आप देख सकते हो किसी भी पेन की आपको इंक ब्लीड नहीं हुई है, बस वो है कि थोड़ा प्रिंट ज्यादा दिख रहा है पीछे ना। वो अब आ जाती है हमारी सबसे महंगी नोटबुक। तो भाई इसको फोल्ड करना भी इजी है और नोटबुक्स के कंपेयर, क्योंकि काफ़ी ये धागे की बाइंडिंग है तो पिन वगैरह खुलने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राइटिंग देखते हैं कि हमें इसके पेजेस पे कैसी मिलती है। लेकिन भाई ब्राइटनेस आपको नजर आ रही होगी, सभी को देख रहे हो आप, तो इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी ब्राइटनेस, बिल्कुल ये है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद थोड़ी दिक्कत ये है कि आपको जो रूल है वो हल्का हल्का मिटासा है, पर चलो कोई बात नहीं, लाइंस नज़र आ रही हैं तो उन लाइंस में लिख लेते हैं। लग्जर का पेज ना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल ना वर्ड्स नजर नहीं आ रहे, क्या है हल्का हल्का निशान गया है जैसे औरों पे नजर आ रहे थे, कोई भी एक डॉट तक इनकी ब्लीड नहीं हुई है। तो भाई प्राइस बहुत ज्यादा है, 120 रुपए, तो उस हिसाब से आपको क्वालिटी भी बेस्ट मिलने वाली है। हाँ ये होता कि ये 70-80 रुपए में सेम क्वालिटी देते तो ज्यादा और मैं इसे बेस्ट कह सकता था। अभी आ चुकी है हमारी क्लासमेट की। भाई बहुत लोगों का ड्रीम है इसमें लिखना और बहुत लोग अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं इसमें लिख रहे हैं, तो आज हम देखते हैं कि कैसा राइटिंग एक्सपीरियंस हमें इसके साथ मिलने वाला है, नोटबुक में कैसा इसका सरफेस रहता है और कैसी पेपर की क्वालिटी रहती है। तो सारे पेन से इस पे भी हम लिख लेते हैं हमारे कलेक्शन की लास्ट नोटबुक है, तो सबसे पहले बॉल पेन से हो जाए। के साथ भी काफी अच्छा रहा है राइटिंग एक्सपीरियंस, तो बहुत ज्यादा स्मूथ पेज है, लेकिन एक तो ये बाइंडिंग है ना ये थोड़ा खिंचा खिंचा सा पेज रहता है, मुझे ये थोड़ा दिमाग खराब करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये चीज इसके अंदर आपको जैसे लग्जर के अंदर मिल रही थी ना इतना पैसा देने के बाद, तो वो चीज है कि आपको यहाँ पे ना उतना कुछ अच्छा प्रिंट नहीं हुआ है कि क्वालिटी अच्छी है पेज की। उसके बाद देखो यार ये चीज तो इसने गलत कर दी, यहाँ पे देखो फाउंटेन पेन की आपको ब्लीड नजर आ जाएगी, उसके बाद आपको रोलर बॉल पेन की ब्लीड नजर आ जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा है शायद क्लासमेट ने कहीं ना कहीं अपनी भाई क्वालिटी कम कर दी है, जिस वजह से इसके पेजेस पे ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो भाई देखो आप लोगों ने देखा और हमने किया, तो भाई हम ओवरऑल इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं नोटबुक्स के रिव्यू के बाद कि हमें एक तो देखो पेपर ग्रिड की पसंद आई है, ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई की पसंदीदा नोटबुक है तो इसको इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, सच में क्वालिटी अच्छी है उसकी ना, आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा, जिन्होंने यूज किया हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखो ट्राइडेंट की भी काफी अच्छी नोटबुक है, इसकी पेपर की क्वालिटी भी अच्छी थी एंड बाइंडिंग भी बेस्ट है। और भाई अप्सरा भी मुझे काफी पसंद आई क्योंकि प्राइस कम है एंड उसके हिसाब से पेज भी की शीट भी हमें सस्ती पड़ रही है एंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, थोड़ा ना इसका रूलिंग भी डिफरेंट है ग्रीन कलर की, तो वो भी काफी अच्छी लगी। एंड लास्ट में इसको कंसीडर कर देता है यार, मुझे नोटबुक तो पसंद आई है, देखो बाइंडिंग वगैरह ये, लेकिन यार 120 रुपए आप समझ सकते हो दुकानदार 100 या 110 की भी दे देगा, तो उस हिसाब से भी यार काफी बजट से बाहर चली जाती है। अगर आपका ये है कि प्राइस की कोई दिक्कत नहीं है तो भाई आप लग्जर के साथ जा सकते हो, उसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी इस नोटबुक। आपको इस कलेक्शन के अंदर कौन सी नोटबुक पसंद आई है जल्दी से कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे और स्टेशनरी की दुनिया का हिस्सा हो जाए वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी तरीके की स्टेशनरी के अनबॉक्सिंग एंड गिवअवेज मिलते रहते हैं।